तो कॉफी होम में लोगों से कॉफी पीते हैं, डोसा खाते हैं और यहाँ का हलवा, तीन चीज ज्यादा लोग खाते पीते हैं। तो मैं जो जहाँ जैसे रहता है वैसे ही बातचीत शुरू करता हूँ। यंग लोग कुछ है उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है? रेखा। आपका? सोनल। कार्तिक। तो आप लोग यंग है, मैं आया हूँ वैसे तो पॉलिटिकल बातचीत करता हूँ। शायद आपको कास्ट सेंसस के बारे में पता हो या ना हो कि बिहार में जाति के हिसाब से सेंसस जनगणना कराई है, पता है? इसको आप कैसा मानती हैं? मतलब मेरे हिसाब से जरूरी है, कास्ट सेंसस जरूरी तो है। क्यों? जरूरी है कि पता होना चाहिए कि मतलब माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन एक्चुअली कितनी है और मेजॉरिटी की पॉपुलेशन एक्चुअली कितनी है। ये कास्ट सेंसस रिलीजियस होना चाहिए या कास्ट सेंसस होना चाहिए? नहीं, कास्ट सेंसस नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस आप कह रहे हैं? जातियां पता चलनी चाहिए कि धर्म पता चलना चाहिए? जातियां, जातियां, धर्म, धर्म में मेरा कोई विश्वास इतना है नहीं। मैं मुस्लिम नहीं पता चलना चाहिए? नहीं, हाँ वो नहीं पता चलना चाहिए, या पता भी चल गया तो उससे कोई ओपिनियन नहीं बनना चाहिए। तो आप ये बता दीजिए कि इससे अगर जातिगत जनगणना हो रही है तो इससे फायदा क्या होगा? जनगणना तो शुरू से ही होती है, तो उसमें जाति का कॉलम लगा के एटलीस्ट पता होना चाहिए कि स्केड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, स्केड्यूल कास्ट कितने हैं, और मतलब कितने एक्चुअली ओबीसीज हैं पॉपुलस, तो उससे आई फील कि इट्स इम्पोर्टेंट। आज तक तो हुई नहीं, इतने सालों में डिमांड होती रही, हुई तो उसके आंकड़े नहीं आए। बिहार स्टेट आजादी के बाद पहला स्टेट है जिसने कि ऐसे जाति के आधार पर जनगणना कराई है। आप मानती हैं कि ये जात बिरादरी की बात होनी चाहिए? नहीं, मैं तो चाहूंगी कि नहीं होनी चाहिए। ये कौन है आपकी बेटी? हा? मेरी डॉटर। ये आपकी बेटी है? हाँ जी। अरे क्या मजाक कर रही है, आप तो बहन लग रही है। नहीं नहीं, बेटी है आपकी? हाँ जी, मेरी बेटी है। ये मेरी मॉम है और आज इनका बर्थडे है। भाई आपने तो गजब कर रखा है। बेटी है मेरी। और आप इनके बेटे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा कार्यक्रम जो लोग देख रहे होंगे वो जैसे मैं अपनी नंगी आंखों से यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये आपकी बेटी और बेटे हैं, वैसे मेरे कार्यक्रम को टीवी पे देख रहे लोग भी। तो ये राज क्या है आपकी इतनी फिटनेस का? अब छोड़िए जातिगत जनगणना, थोड़ी यही बात बताइए, ये डोसा तो नहीं? नहीं, हाँ मेरा को लगता है मैं शायद यंग इसलिए हूँ कि मैं हर चीज पॉजिटिव में लेती हूँ, कभी कोई नेगेटिव नहीं सोचती, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ऐसे सोच के चलती हूँ। जातिगत जनगणना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये इसलिए अच्छा नहीं लगा ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जाति करके धर्म करके कुछ लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ ना हो, लोग ज्यादा जाति और धर्म में बटे ना। हाँ, बटे ना और लड़ाइयाँ ना हो। तो अभी बटे नहीं है? मुझे नहीं लगता अभी नहीं, अभी बटे। अच्छा एक बात बताइए, अभी 24 में जो लोकसभा चुनाव होगा, लोकसभा का, उसमें आपको क्या लग रहा है? मतलब कौन आएगा? मुझे तो लग रहा है मोदी जी आएंगे। और ये जो इंडिया गठबंधन बनाए हैं सब नेताओं ने, हो सकता है आ जाए। क्या ही नहीं सकती मैं। नहीं, आपको मोदी जी को उम्मीद ज्यादा क्यों लगती है? क्योंकि वो जैसे G20 करवाया उन्होंने, चंद्रयान गए और काफी सारे काम हुए हैं उनके थ्रू, तो शायद मुझे ऐसे लगते हैं। तो लोग तो कहते हैं सिलेंडर महंगा किया, सब कुछ उनके कार्यकाल में महंगा हो गया, रेलवे में सारी वो घटा दिया, महिलाओं को सीनियर सिटीजन का कार्ड दिया, उसी ट्रेन वही, पटरी वही, डिब्बा वही, कोच वही, रेल का किराया बढ़ गया, उनके समय में महंगाई बढ़ गई, हिंदू मुसलमान में खाई बढ़ गई, जो उनका विरोध करते हैं। हिंदू मुस्लिम के विरोध, ये तो मैं भी मानती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं ना, क्योंकि पहले कभी नहीं देखा हमने, जब हम लोग कॉलेज में थे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हमारी फ्रेंड्स भी होती थी, पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब थोड़ा ज्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों लोग धर्म में बटना चाह रहे हैं या पता नहीं क्या। आप क्या करती हैं? मैं अपना सैलून चलाती हूँ। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं आपके, पढ़ाई करते? ये डॉक्टर है, MD डर्मेटोलॉजिस्ट है। डॉक्टर है, MD डर्मेटोलॉजिस्ट। MD है ये स्किन डर्मेटोलॉजी में?
अरे यार क्या तुम लोग खाते पीते हो, तुम्हारी फैमिली ये पता ही नहीं चल रहा, ये एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट है, ये इसकी मम्मी है, ये इसके आप क्या हो भैया? आई वर्क इन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट जॉब, आई वर्क इन कॉर्पोरेट आईटी सेक्टर, कॉर्पोरेट जॉब, कॉर्पोरेट जॉब, आई एम डन इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अब कॉर्पोरेट जॉब का आई एम हैप्पीली डूइंग इन गुड़गांव। ये बहुत खुशी हुई, एक बहुत अच्छी फैमिली से मैंने मुलाकात की यहाँ काफी होम में, मैं लोगों से ऐसे बातचीत करते रहता हूँ और मैं जो जहाँ रहता है उससे बात करता हूँ। ये कास्ट सेंसस को लेकर आपकी भी कोई राय है? मैं एक चीज बोलूंगा कि कोई तरह का सेंसस भी हो उसके उससे हमें हेल्थ इंडिकेटर्स अलग अलग चीजें पता चलती है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, हेल्थ इंडिकेटर्स कितने हैं, एंड देन वी कैन दैट कैन हेल्प अस टू बिल्ड न्यू स्कीम्स। तो वो एक चीज बहुत एक ऐसी चीज है जिससे हमें हेल्प हो सकता है, बट ऑब्वियसली इफ एनीवन कैन एक्सट्रापोलेट द डेटा एंड ऑल्सो यूज द डेटा नेगेटिवली एंड बट इट्स अ गुड थिंग एज लॉन्ग द सर्वे इज बींग डन, क्योंकि सर्वे से आपका भी लाइक कास्ट इज सच अ सब्जेक्ट दैट एनीवन कैन टेल इन इंडिया इफ यू आर गुजर और यू आर नॉट अ गुजर, सब क्योंकि नाम में ही है, तो उससे वो वैसे भी यू कैन टेल। एक बात बताइए, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, आप अपना बिजनेस की, आपकी बेटी एमडी डर्मेटोलॉजी है, आपका बेटा इतनी कम उम्र में कॉर्पोरेट में है, इसमें आपको कहीं समझ में आया कि जात बिरादरी में खास पैदा होने का कोई फर्क या नुकसान है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा है, डिफरेंस तो है जात बिरादरी में। तुमने एमडी डॉक्टर हो, डर्मेटोलॉजी हो, तुमने क्या ऐसा महसूस किया? नहीं मतलब है, अभी भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो रहता ही है। कौन करता है? करते हैं लोग, करते हैं, ऐसा नहीं है, लोग करते हैं, एविडेंट है। न्यू एज हो गया, अब मे बी अनटचेबिलिटी नहीं रही, बट देर इज न्यू एज डिस्क्रिमिनेशन विच इज देयर, आई फील इट, इट्स देयर। देखिए एक बात है कि हिंदुस्तान में बहुत लोग कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग वोट डालने नहीं जाते, लोग जाति को वोट डालने जाते हैं। जाति इस देश की कड़वी हकीकत है, लेकिन पिछले 30 सालों में अपनी मेहनत, अपनी व्यूह रचना से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद के बेड़े को तोड़ने में बहुत हद तक कामयाबी पाई और उसका बहुत श्रेय अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व और बैकवर्ड चेहरे के कॉकटेल को दिया जाता है। लेकिन असल संघर्ष 2024 में देखा इसलिए जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी कार्ड को खेलना बहुत तेज शुरू कर दिया है और माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी कास्ट सेंसस का झुंझुना अब बजने लगेगा। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं।